इस बीच गोरखपुर के लिए भी एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि गोरखपुर के लिए एक बड़ी सौगात दिए जाने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। गोरखपुर में जल्द ही मेट्रो चल सकती है और सीएम योगी ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी भी दी है। उन्होंने लिखा है ट्वीट में, गोरखपुर मेट्रो लाइन रेल प्रोजेक्ट के फेज वन के लिए अप्रूवल मिल गया है। सीएम योगी ने प्रदेश की जनता को बधाई दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। मानस श्रीवास्तव मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मानस, मेट्रो का भी दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और सीएम सिटी है गोरखपुर, अपने शहर वालों को भी सौगात देने की कोशिश सीएम योगी की। देखिए, अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि कानपुर में मेट्रो योजना का परियोजना का शिलान्यास किया गया था और अब गोरखपुर, देखिए को लेकर के थोड़ी स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बार बार अखिलेश यादव ये आरोप लगाते रहे, अपनी लगभग तकरीबन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे कि योगी सरकार एक इंच भी मेट्रो को आगे नहीं बढ़ा सकी, जहां तक वो छोड़ के गए थे उससे एक मीटर भी पटरी आगे नहीं बढ़ी है। और खास तौर से वो जिक्र करते थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद यानी गोरखपुर में भी अगर मेट्रो चली तो बताइए, तो ऐसे में चुनाव के वक्त में गोरखपुर से अगर मेट्रो का संचालन का काम, अगर उसकी परियोजना का शुभारंभ होता है तो न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वांचल के जो आसपास के जिले वहां पर भी एक मैसेज हो जाएगी और एक तरीके से सरकार जो है वो समाजवादी पार्टी के मुख्य अखिलेश यादव को जवाब देने की कोशिश भी कर रही है। बिल्कुल ठीक बात है, आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।